नमस्कार। क्लास 10th द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 2 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण 4x² + 4√3x + 3 = 0 के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है इस द्विघात समीकरण को हल करके मूल ज्ञात करने के लिए। तो आइए देखते हैं। दिया है एक द्विघात समीकरण, दिया है 4x² + 4√3x + 3 = 0। हम इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, अब हम इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए जो कि एक्स वर्ग का गुणांक होता है कितना है, 4 है। बी जो कि एक्स का गुणांक होता है कितना है, 4√3। और सी जो कि अचर पद है वो है 3। तो तब सबसे पहले हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें विविक्त कर से ही पता चलेगा कि मूल वास्तविक है या अधिकल्पित। तो विविक्त कर डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। विविक्त कर डी का मान है बी वर्ग ऋण 4ac। तो डी बराबर 4, बी के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 4√3, और उसकी घात 2 है तो घात 2 ऋण 4ac। 4 तो 4 है और ए के स्थान पर हो गया 4 और सी के स्थान पर हो गया 3। इस तरह से विविक्त कर का मान हमें ज्ञात करना है, तो डी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा हल करने पर 48। बाएं पक्ष में भी देखिए, ये बाएं पक्ष में भी हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 3, तो 16 * 3 = 48 ऋण, फिर 4 × 16 और 16 * 3 = 48। इस तरह से 48 ऋण 48, तो विविक्त कर 0 प्राप्त हुआ। जैसे ही विविक्त कर 0 प्राप्त हुआ तो हमें पता चल गया कि समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, क्योंकि 0 से बड़ा विविक्त कर यदि धनात्मक मान प्राप्त होते तो हम बोलते कि समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। लेकिन अब विविक्त कर यदि 0 प्राप्त हुआ है तो हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक होता तो मूल अधिकल्पित होते और सवाल को हम आगे हल नहीं करते। अब चूंकि सूत्र विधि से हमें पता है कि x बराबर ऋण बी धन ऋण √b वर्ग ऋण 4ac/2a, ये हमारा सूत्र है, और इस सूत्र का यदि हम प्रयोग करेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण b के स्थान पर 4√3, धन ऋण करणी के अंदर बी वर्ग ऋण 4ac का मान तो हम निकाल कर बैठे हैं, हमें बी वर्ग ऋण 4ac का मान कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है, और 2a, 2 * a का मान है 4। तो x बराबर हमें अब क्या प्राप्त होगा, देखिए बच्चों, चूंकि √0 है तो 0 ही प्राप्त होगा, और धन ऋण दोनों चिन्हों को लेने पर हमें एक ही मान प्राप्त होगा, ऋण 4√3/8, या हम 4 को भी काट देंगे तो √3/2, यानी हमें केवल एक ही प्रकार का मूल प्राप्त हुआ, √3/2। तो द्विघात समीकरण के मूल √3/2 और √3/2 ही प्राप्त हुए। धन्यवाद।